हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम माही। सो गाइस, कैसे आप लोग? मैं कई दिनों बाद आज ब्लॉग बना रही हूँ। बीच में बहुत गैप हो गया था मेरा ब्लॉग बनाने में, और मैं कुछ इशू हो गया था जिस वजह से बन नहीं पा रहा था। और आज मैंने फिर से कंटिन्यू रखा अपना ब्लॉग। आज मैं अभी के टाइम पे मुंबई में हूँ। गाइस, मैं वैसे ना फर्स्ट टाइम ही मुंबई आई हूँ, क्योंकि इससे पहले कभी आना हुआ नहीं इधर। और मैं वैसे ना 2-3 दिन पहले आ गई थी। मैं उतने दिन से मैंने सोचा ब्लॉग बनाऊं, बट आज मैंने सुबह डिसाइड ही कर लिया था कि आज तो बनाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप हो चुका है और आप लोगों से बात किए भी बहुत दिन चले गए हैं। तो आज मैं सुबह उठी थी, फिर उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह किया। थोड़ा लेट उठती हूँ मैं, मेरी आदत थोड़ी ख़राब है। मेरी ना यहाँ पे 2 फ्रेंड हैं, मेरे को उन्होंने बोला कि मेरे साथ पे शूट पे चल रहे, तो फिर मैं उन लोगों के साथ शूट पे आ गई। अभी दिन के 12 बज गए हैं, तो अभी वो लोग काम कर रहे हैं, तो मैं थोड़ी देर में आप लोगों को उनसे मिलवाती हूँ। गाइज, मेरी एक फ्रेंड फ्री हो गई है, तो मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ, दूसरी से फिर बाद में मिलवाती हूँ। ये है अर्शी। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? गाइस, अर्शी ने मुझे बोला हेयर स्टाइलिंग बनाने के लिए, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट। गाइज ना, तब से काम ही कर रही थी वो, और मैं ना बहुत बोर हुई पूरे दिन भर। अभी ना शाम के 6 बज रहे हैं, तो मैं आपको मिलवाती हूँ, ऐसे अब फ्री हो गई है। अभी अभी वो लोग फ्री हुए, तो मैंने सोचा कि अभी उन लोगों के साथ में ब्लॉग बना लेती हूँ। तो अभी मैं वो जगह दिखाती हूँ जहाँ पे अभी मैं आई हुई हूँ, और यहाँ पे ना एक गणेश जी की मूर्ति, पता बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। मैं आपको ये देखिए कितनी सुंदर है, और लाइटिंग ना ऊपर से है तो और ज़्यादा सुंदर लग रही है। ये देखिए गाइस, ये मूर्ति भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये बाहर का व्यू, अभी सनसेट भी हो गया इधर पे। यहाँ पे ये देखो, नीचे रोड है और रोड से ऊपर फ्लोर्स बने हुए हैं, और फ्लोर के ऊपर गार्डन बनाया हुआ है। इतना सुंदर गार्डन, मतलब छत पे बना हुआ है प्रॉपर, इतना अच्छा गार्डन। फिर उसके ऊपर ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। इधर ये मेट्रो है, ये अभी स्टार्ट नहीं हुई यहाँ पे। देखो गाइस कैसे बैठे हैं सब लोग। ये देखो कितना ज़्यादा ध्यान लगा हुआ और वो तो बिल्कुल अपने नशे में दुत लड़की एक पीछे बैठी है, जिसको बिग बॉस की सबसे बड़ी फैन है। yes. दिन बिग बॉस देखती रहती है, कुछ काम धंधा ही नहीं है इसको। देखो अभी हम लोग वेले पागलों की तरह बैठे हुए हैं, सोच रहे कि अब यहाँ से निकलना भी नहीं है, मज़ा आ रहा है बैठे बैठे, बट बोर हो गए थोड़ा, एक्साइटमेंट नहीं थे। क्या बोले आप? बोल सकते मेरे को बिग बॉस की फैन, उधर एक हमारे शशांक झूला झूल रहे थोड़ा फोकस करते हैं, ये है मेरे से ज्यादा मेरा पेट दिखता है। और ये हमारी बिग बॉस की फैन, पूरा दिन बिग बॉस देखती रहती है बस। ये महिला है जो बिग बॉस की बढ़ाती है, है ना? यस हाँ, भी बिग बॉस में ट्राई करो। मैं तो बोलती हूँ मम्मी को, मेरे को भी बिग बॉस में जाना है, झगड़े करने उसमें करते वही है। लेकिन कब तक करेंगे? फिर तो नहीं जाता ऐसा लगता, थोड़ा बस हो गया है, कितना झगड़ा करेंगे, कितना लड़ेंगे। लेकिन वहाँ यही है कि लड़ो,
लड़ते रहो, सिर्फ लड़ते रहो। मैं सोच रही हूँ प्रियंका और मैं ना जाएंगे बिग बॉस। हाँ नहीं, हम तीनों ही चलेंगे एक बार बिग बॉस में, फिर और अपना एक ग्रुप बनाएंगे और लड़ेंगे सबसे। नहीं फिर ऐसा होगा, मेरे वजह से आधा दिन साइरन बजता रहेगा, उठो उठो। 8 बजे तो नींद हमसे खुलती नहीं है, हम है 1-2 बजे उठने वाले इंसान। मुझे लगता है कि मैं शायद से किचन में मिलूंगी बनाते हुए अभी के लिए। मैं माही के बैठे रहेंगे, अर्शी खाना रेडी हुआ। अगर सिर्फ 3 जन बिग बॉस हाउस में रहे ना, कुछ चलने ही वाला है वो। हम तो सिर्फ हम लोग सिर्फ वहाँ पे बैठ के खाना खा रहे, मस्ती कर रहे। रात में आराम से जाओ पूल में बैठो, पूल में डुबकी मारो, हो गया एंजॉयमेंट, चलो अब जाते हैं सोने। ये हेयर स्टाइलिंग भी करती है। हाय, कैसी लग रही है? हॉरर लुक बहुत अच्छे से बनाती है। ये देख, मैं तो बस नाम की मेकअप आर्टिस्ट हूँ, बस मेकअप अच्छा। हाँ, ये मैं हूँ। जब हम निकल गए वापस, बाय बाय, हम लोग जा रहे हैं। अरे गाइस, ये बच्चों के खेलने के लिए बना हुआ है। अब लेट हो गया, चल चल चल। हम लोग निकल गए बाहर मेन रोड पे। आज सेकेंड डे हो गया है और आज फिर हम दोबारा से शूट पे जा रहे हैं, और मैं निकल गई हूँ रास्ते पे। ये रहा मेन रोड, पहुँच गए हम लोग। गाइस अभी हम बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं फालतू वाली। हमको ये लाइट्स मिली तो इससे मस्ती कर रहे ये। मैं तो कर भी नहीं सकती ऐसे। गाइस तब से हम लोग फन कर रहे थे बस, और वो लोग फिर उन्होंने थोड़ी बहुत काम किया और मैं बैठी थी, उनको डिस्टर्ब ना हो इसलिए फिर मैंने ब्लॉग बंद किया था। और अभी वो लोग फ्री हैं, दिन के 1 बज रहे हैं, तो मैं उन लोगों के पास चलती हूँ और थोड़ी बहुत बातें करती हूँ। यहाँ पे बैठे हैं बहुत ज्यादा, इसी के साथ खेल रही हैं। पागल हो गई, मैं थक गई हूँ, बस ब्रेक हो चाहिए मुझे 1 घंटे का आराम से, थोड़ा बहुत ज्यादा सुबह से काम कर लिया। और एक उधर एक लड़का है जो डस्टबिन के सामने हर वक्त खड़े रहते हैं। एक्चुअल में ये लोग बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, तो हमेशा नॉलेज की बातें करते हैं। और ये भोले की भक्त हैं, तो इसलिए ओम वाला टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। भोले की भक्त मैं भी हूँ। और ये ब्लैक लवर हैं, इनको ब्लैक ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पसंद हैं। मैं भी ज़्यादातर ब्लैक ही पहन के रखती हूँ। मैं भोले की भक्त भी हूँ, ब्लैक लवर भी हूँ, दोनों का मिक्सचर। गाइस अभी 3 बजे हुए और हम लोग खाना खा रहे हैं। गाइस अभी ये लोग काम कर करके बहुत ज्यादा थक गए। ये नींद आ चुकी है, ऐसे भी नींद आ चुकी है, आ गई नींद यार। गुड नाइट।
गाइस अभी बिल्कुल शाम हो चुकी है, अभी सनसेट हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं भी वहीं पे सोफे पे मैं भी लेट गई थी और मम्मी के साथ में। ये भी उठ गई हैं, मुँह छुपा रही है। ये देखो सनसेट हो गया। अरे ये यहाँ पे लड़कियां अपनी खूबसूरती निहार रही हैं। अभी हमारा मन किया कि हम लोग खुद ही से कॉफी चाय बनाए, तो ये बना रहे हैं चाय कॉफी। हाँ ये सोच रही है कि मैं खुद ही से झाड़ू मार दूँ। सफाई हमारी सफाई वाली शांता भाई कांता भाई। अरे यहाँ पे होते हैं ना ऐसे नाम, मतलब भाई वगैरह के। हाँ वो पहले मैं देखती थी ना, शांता भाई होते बहुत लोगों के नाम। नहीं वो जैसे साहब जी ऐसे बोलते हैं, वो इधर ही बोलते ना साहब जी। दिख रहा है चाय वगैरह। मैं कांता भाई, मी कांता भाई। इधर ही है, ये इधर ही है, वो जो ताड़पत्री दिख रही है ब्लू कलर की। हाँ यार सब गंदा पड़ा है यहाँ पे। हाँ यहाँ से और उनको बोलो 4 हिंदी पेंट और 2 ब्लैक ब्रश। यार पावर अपना चेहरा में जैसे खा लो। यहाँ बिस्लरी बिस्लरी रखी है बस। हेल्दी होता है काफी पीनट बटर है ना। टेस्ट करेंगे? नहीं मुझे पसंद नहीं है। मैंने कभी टेस्ट ही नहीं किया। मस्त लगता है। मैंने कभी घर पे नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे बहुत अच्छा। मेरे को पीनट्स में कितना भी खा सकती हूँ लेकिन पीनट बटर नहीं। जो वैसे जो लोग जिम करते हैं ना वो लोग खाते हैं ज्यादा। सारा कचरा भरा हुआ है। ओ ये वो है क्या, हुक्का पॉट है? हाँ पॉट है। अच्छा हुक्का का मेरे हाथ से खराब हुआ है इसलिए सर न्यू पॉट मंगाते हैं। ये है कॉफी इनकी है, प्रियंका की है, डार्क कॉफी मेरी, लाइट कॉफी है ये मेरी कॉफी लाइट। मैं ज़्यादा कॉफी नहीं पीती। गाइस अभी बिल्कुल शाम हो चुकी है और अभी हम लोगों का बहुत ज़्यादा फन चल रहा है। और हम लोग ये लाइट्स लेके आज पूरे दिन से यही करने में है। बीच बीच में जब मन कर रहा है तो यही कर रहे हैं। और हम दूसरे लोगों को ना, दूसरे घर वालों को ना हम छेड़ रहे हैं लाइट्स से। देखना इतनी दूर तक जा रही है इसकी लाइट। आंटी वो वो अंकल को छेड़ा क्या? गाइस अभी शाम के 7 बज रहे हैं और अभी हम लोग समोसे खा रहे हैं। सो गाइस अभी अब हम निकल रहे हैं घर, रात के 8 बज गए हैं। गाइस मैं अभी घर पहुंच गई हूँ, अभी रात के 10 बज रहे हैं
और दिन भर ना बहुत ज़्यादा मज़े किए थे। पहले मैं अकेले अकेले ब्लॉग भी बनाती थी और अकेली रहती भी, ज़्यादातर अकेले अकेले थी। अभी मुझे दोस्त मिल गए कुछ, तो अभी बस दिन भर वही चिल किया और अब मिलते हैं कल के ब्लॉग में, कल देखते हैं। बाय, टेक केयर। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि आने वाली ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और प्लीज़ सारा वीडियो, पूरा वीडियो प्लीज़ देखना, क्योंकि आपके वीडियो देखने से ही मेरे को मेरे वॉच आवर्स बढ़ते हैं। तो प्लीज़ 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 सपोर्ट करना। बाय, गुड नाइट।